गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आपने पूछा था डॉस क्या होता है। डॉस क्या है? डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। डॉस क्या होता है? डॉस जो सीयूआई, मैंने बताया था दो टाइप का इंटरफेस, एक है सीयूआई दूसरा है जीयूआई, है ना। सीयूआई तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सीयूआई में मैंने बताया था कि इसमें कमांड्स डालने होते हैं, इसमें कोई भी ग्राफिक्स शो नहीं होता है। लेकिन जीयूआई में क्या होता है? ग्राफिक्स होता है, आइकन्स होता है, पिक्चर्स होता है, ये सब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो डॉस जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर काम करता है। डॉस में आपको कोई भी फाइल से देखते हो, अदर एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वगैरह, उसमें ऊपर फाइल लगा होता है, एडिट लिखा होता है, व्यू लिखा होता है ना, जो यूज करना उसका आइकन्स बना होता है, उसमें आप आसानी से उसको यूज कर लेते हो। वो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। लेकिन डॉस में क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, आपको कोई भी आइकन्स नहीं दिखाई देंगे। डॉस में कोई भी आइकन्स आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको जो भी यूज करना है आपको उसका कमांड देना होगा। जैसे मैथ से फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह डॉस में फॉर्मूला जो है उसको कमांड्स बुलाता है। तब क्या करते हो? कमांड्स टाइप करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जिस जो कमांड से जो फंक्शन एसोसिएटेड है उसका वो काम करके वो देता है। देर आपका डॉस। उसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेली यूजेस के बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने क्लासिफाई करना बताया था। तो फर्स्ट में मैंने स्टार्ट किया था स्टैंड अलोन ऑपरेशन, मैंने बताया था स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसका खुद का अपना प्रोसेसर हो, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, स्टोरेज यूनिट हो, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे, इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसका अपना प्रोसेसर हो, अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, अपना स्टोरेज यूनिट हो, है ना। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। देखिए ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ओएस एक्स, मैक ओएस एक्स और लिनक्स। कौन कौन आता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लिनक्स। कभी पढ़ेंगे मैक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मिड ऑफ 1980s। ये जो है अपना विंडोज कब से क्रिएट करना स्टार्ट किया? 1980 से। कब स्टार्ट हुआ किया? 1980 से अपना अपना बनाना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, मिड ऑफ 1980 से स्टार्ट किया। कब से स्टार्ट किया? मिड ऑफ 1980s, है ना। 1980 से इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। उसी में क्या हुआ कि Over the years, there have been many different versions of Windows, but the most recent one are, देखिए इस 1980 से बनाना उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद से बहुत सारे विंडोज और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाए। लेकिन इन्होंने कुछ रिसेंट है जो अभी क्या हुआ, अभी हम जो जान रहे हैं, मतलब कि अभी रिसेंट में कुछ सालों के अंदर में जो भी विंडोज अपडेट हुए उनके बारे में, है ना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई भी चीज नया आता है उसके इम्प्रूव होने में टाइम लगता है। पहले बड़ा सा फोन था, उसका से उसे छोटा, उसे छोटा हुआ, हाथ में आ गया, है ना। उसी तरह क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था पहले तो बनाया गया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके फिर आगे बनाया गया, फिर उसको और इंप्रूवमेंट करके अपडेट किया गया, उसी तरह करते करते नेक्स्ट बनाते चला गया। तो अब कुछ रिसेंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में पढ़ते हैं। रिसेंट में क्या है आपका? रिसेंट देखिए कुछ रिसेंट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, फर्स्ट है विंडोज के जो 2015 में आपके आया था, है ना। वो अभी अभी ज्यादातर यूज में विंडोज 10 है। अभी जितने भी कंप्यूटर्स नए कंप्यूटर्स लोगे तब विंडोज 10 उसमें इंस्टॉल्ड होगा। देखिए आप सबसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कमाइंड विंडोज का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट विंडोज कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, है ना। उसके बाद उससे पहले आया था विंडोज 8 जो 2012 में आया था, उससे पहले विंडोज 7 जो 2009 में आया था, उससे पहले विंडोज विस्टा जो 2007 में आया था। आपके जो लैब में जो विंडोज 7 है ना, उसको अभी अपग्रेड करना होगा विंडोज 10 में। अभी क्या विंडोज 10 सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। देखिए ये क्या आपका विंडोज 10, ये आपका विंडोज 10 का पिक्चर, या ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रही डिस्प्ले कर रहा है विंडोज 10 है, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या धीरे धीरे इंप्रूव किया, पहले विंडोज 7 विंडोज विस्टा आया, उसके बाद विंडोज 7 आया, 2009 में उसके बाद विंडोज 8 आया, विंडोज 10 आया, अब विंडोज 10 काम में चल रहा है। जितने भी कंपनीज वगैरह है वो विंडोज 10 का भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद है मैक ओएस एक्स। मैक ओएस क्या है? मैक ओएस जो है एप्पल बनाती है, एप्पल जो कंपनी है ना वही मैक ओएस एक्स बनाती है, है ना। मैक ऑफ इज ए लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाई एप्पल, किसके द्वारा बनाया गया है? एप्पल के द्वारा। यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इट कम्स रिपीटेड ऑन ऑल न्यू मैक्रोसॉफ्ट
विंडोज कंप्यूटर्स, ये क्या है मैक ओएस एक्स जो है, अभी एप्पल से जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं, उन सभी में क्या हो रहा है, मैक ओएस एक्स जो है इंस्टॉल है ना। ऑल ऑफ द रिसेंट वर्जन आर नोन एज ओएस एक्स, अभी जितने भी नए नए लेटेस्ट वर्जन है एप्पल के, एप्पल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है तो उसके जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उनका बोला जाता है ओएस एक्स, क्या बोला जाता है ओएस एक्स, उनको ओएस टेन भी बोल सकते हैं प्रोनाउंस है ओएस, उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है ओएस टेन, ओएस एक्स को क्या कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ओएस टेन। एंड द स्पेसिफाई वर्जन इंक्लूड ईआई कैपिटल, इसी का जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अलग अलग टाइप में अलग अलग अपडेट हुआ था, अलग नया नया जैसे बढ़ते ग्रुप होते हुए नया विंडोज बनते चला गया, तो उसी ने क्या किया मैक भी क्या है आगे बढ़ता गया है ना। एक है आपका ईआई कैपिटल वो 2015 में रिलीज हुआ था, मैंने बताया था मैक जो है ओएस का है ना, जो एप्पल बनाती है मैक ओएस एक्स, कौन बनाती है इसको एप्पल है ना, एप्पल ने अभी सबसे लेटेस्ट क्या मैक ओएस एक्स चल रहा है ना, उसके पहले था ईआई कैपिटल जो 2015 में आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके पहले यसएमआई है जो 2014 में आया था, उससे पहले मैवरिक्स जो 2013 में आया था, माउंटेन लायन 2012 में आया था, लैंड 2011 में आया था, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट करते गए नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम को ये रिलीज करते चले गए है ना। तो क्या हुआ इसका मैक ओएस का अलग अलग वर्जन है, ये माइक्रोसॉफ्ट का अलग अलग वर्जन होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम विस्टा उसका 7 उसका 8 उसका 10 अभी 10 चल रहा है, उसी तरह से लायन था उसका माउंटेन लायन था, उसके बाद मैवरिक्स था उसका एसएमआई आया उसका ईएल कैपिटन आया, उसके बाद मैक ओएस अभी चल रहा है। उसी तरह क्या आता है लिनक्स के बारे में, अब बढ़ते हैं लिनक्स क्या होता है, लिनक्स इज अ फैमिली ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच मींस दे कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन अराउंड द वर्ल्ड। देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये फैमिली है जैसे कि ये ओपन सोर्स है, क्या है ओपन सोर्स, इसको कोई भी मॉडिफाई या फिर मॉडिफाई भी कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, इसलिए इसको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने होंगे है ना, अराउंड इन द वर्ल्ड, ये क्या ओपन सोर्स है, इसको कोई मॉडिफाई कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मैंने क्या बताया था जिसका एक लाइसेंस होता है कि एक बार में एक ही सिस्टम पर उसको क्या किया जा सकता है इंस्टॉल किया जा सकता है, फिर उसके बाद दूसरा लाइसेंस अगर आप दूसरे सिस्टम पे करना है तो आपको दूसरा लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये क्या लिनक्स क्या है ये ओपन सोर्स है, इसको आप जितने चाहो उतने कंप्यूटर्स में आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हो है ना। Like Windows can only be modified by the computer, देखो जैसे कि आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये क्या है सिर्फ कंपनी के द्वारा ही मॉडिफाई किया जा सकता है, कुछ बदलाव भी करना है तो सिर्फ कंपनी इसको कर सकती है, लेकिन लिनक्स क्या है लिनक्स में आप खुद से बदलाव कर सकते हो और इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कौन है ये लिनक्स, लिनक्स क्या है हमारा ओपन सोर्स है, मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में, मैक ओएस के बारे में और लिनक्स के बारे में, इतना कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं।